अब तक की सबसे बिगेस्ट एंड लेजेंडरी सीनरी आ चुकी ग्लोबल सर्वर के अंदर। ऐसी सीनरी आप लोगों को भाई यहाँ पे चाइना सर्वर के अंदर ही देखने के लिए मिलती थी, लेकिन भाई ये सीनरी अनएक्सपेक्टेड आप लोग इसको मान सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका पूरा रिव्यू करने वाले कि क्या आप लोग को इसको परचेस करना चाहिए, ये कब आप लोग को इन गेम देखने के लिए मिलेगी, इसका डॉलर में भाई ये कितने डॉलर में हमें देखने के लिए मिलेगी, सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आप लोग अगर इस सीनरी का फर्स्ट लुक देखोगे तो भाई आप लोग को काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। भाई मैं इसका साइज भी यहाँ पे काउंट नहीं कर पाया, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई इसका साइज क्या होने वाला है, बिकॉज ये काफी ज्यादा बड़ी भाई काफी ज्यादा आप लोग को इसके अंदर यहाँ पे जूम आउट देखने को मिल जाएगा। एंड इस सीनरी को देखने के बाद आप लोगों को भाई यहाँ पे विलेज एंड सिटी दोनों की फीलिंग आई है भाई, यस आप लोग ऐसा मान सकते हो। अभी और भी आप लोगों को पता चलने वाला है इसके अंदर भाई, आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर विजुअल इफेक्ट एंड उसके साथ में इसका लुक यहाँ पे अमेजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिडन थिंग्स भी इसके अंदर ग्राफिक्स एंड इसकी डिटेलिंग भाई काफी ज्यादा करी है क्लैश ऑफ क्लैंस ने। एंड यहाँ पर आप लोगों को भाई अपना क्वीन दिख रहा है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने भाई अपना यहाँ पे ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड ऐसे कुछ भाई यहाँ पे मूवी टाइप का यहाँ पे सीन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे इफेक्ट यानी कि भाई बिल्कुल यहाँ पे बिजली टाइप का यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है जस्ट उसी ड्रैगन सिंबल के पास में। एंड और भी आप लोग यहाँ पे इधर उधर करके चेकआउट कर सकते हो भाई साहब, पूरा रिव्यू आप लोग को इस स्क्रीन पर चेकआउट देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड ऊपर आप लोग को आसमान के अंदर भाई अपने सभी ड्रैगन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लाइक अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन इन्फर्नो ड्रैगन एंड और भी कुछ यहाँ पे रॉकेट वगैरह भाई यहाँ पे उड़ रहे हवा के अंदर, मैंने अच्छे से यहाँ पे चेकआउट नहीं किया। एंड यहाँ पर आप लोगों को भाई काफी ज्यादा आप लोगों को ट्री वगैरह देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे ऊंचे ऊंची भाई बिल्डिंग्स वगैरह। यहाँ पे अपने भाई ये पीछे मिसाइल कौन छोड़ रहा है भाई इलेक्ट्रो के पीछे, पता नहीं भाई ये कुछ विजुअल इफेक्ट इन्होंने यहाँ पर एड किया है। यहाँ पे भाई अपना ये पुल है जो कि भाई यहाँ पे देखना जो अपनी आर्मी है यहाँ पे आर्चर गोब्लिंस वगैरह इसके अंदर कूद के भाई यहाँ पे गायब हो जाते हैं बिल्कुल से। तो भाई इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो काफी ज्यादा आप लोग को अमेजिंग देखने को मिलेगी, प्लस इसके जो इफेक्ट वगैरह सब कुछ भाई साहब आप लोग को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड ओल्ड ड्रैगन्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे इस सीनरी के अंदर। एंड इसका आप लोग फर्स्ट लुक देख सकते हो भाई साहब, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करें गाइस इस सीनरी के प्राइस के बारे में, बिकॉज इसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट जो भाई इन्होंने ग्राफिक्स यहाँ पे ऐड कर रखा है ना, प्राइस भी इसका काफी बड़ा है आप लोग ऐसा मान सकते हो। यस भाई आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर शॉक होने वाले हो। गाइस ये बात करें ये सीनरी कब आने वाली, तो गाइस ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर, बहुत 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 जल्दी गाइस आप लोग ये मान सकते हो। उसी के साथ में गाइस इसके प्राइस की बात करें तो भाई ये $33 की होने वाली प्राइस गाइस काफी ज्यादा इसकी नॉर्मल सीनरी एंड हीरो स्किन्स गोल्ड पास के मुकाबले, बट गाइस ये वर्थ इट हो सकती है बिकॉज इसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट है ग्राफिक्स वगैरह है काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग कर रखी है, जो एरिया वगैरह है वो भाई काफी ज्यादा आप लोग को अमेजिंग देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल आप लोग इसका यहाँ पे लुक चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पे ड्रैगन्स एंड यहाँ पे कुछ ड्रैगन्स का टाइप का यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड सारे सारे भाई यहाँ पे ड्रैगन्स प्लस यहाँ पे कुछ यहाँ पे विजुअल इफेक्ट एंड पूल वगैरह मैदान एंड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ भाई आप लोग को सिटी विलेज दोनों इस सीनरी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जूम आउट है वो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक देखने के लिए मिला भाई, काफी ज्यादा यहाँ पे ये जूम हो जाती है। एंड यहाँ पे आप लोग भाई जो अपना टर्टल वगैरह यहाँ पे फिश वगैरह भी भाई यहाँ पे तैर रही है समुद्र के अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड भाई ये ड्रैगन के पीछे कौन भाग रहे हैं भाई, इनको मैं पकड़ नहीं पाया, आप लोग जरूर से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग को क्या लगता है भाई ये इलेक्ट्रो के पीछे कौन से भाई, ये कौन से रॉकेट कौन से यहाँ पे भाई पता नहीं मुझे तो। एंड उसी के साथ में यहाँ पे आप लोग को भाई आसमान एंड भाई साहब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोग को एक गोला टाइप का दिखा, उसके अंदर से भाई अपने कुछ यहाँ पे ट्रूप्स वगैरह बाहर निकल रहे हैं लाइक अपने जो क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप लोग को ग्रास वगैरह एंट्रीज वगैरह काफी अच्छी आप लोग को फीलिंग आएगी भाई सीनरी के अंदर देखने से। ओवरऑल बात करें तो भाई इसका जो लुक है एनिमेशन से इफेक्ट है ग्राफिक्स है काफी ज्यादा क्लैश ऑफ क्लैंस ने इसको एडिट किया है, मतलब कि काफी अच्छा इस सीनरी को आप बना दिया है। एंड प्राइस के हिसाब से भाई थोड़ा बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जो नॉर्मल बंदा भाई वो शायद इस सीनरी को परचेस नहीं कर पाता होगा, लेकिन जो सेल्फ बंदा भाई जो सेल्फ कुछ यानी कि सेल्फ अर्निंग करता है वो तो भाई डेफिनेटली सीनरी को परचेस कर सकता है। बात करें कि क्या आप लोग को सीनरी को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो भाई देखो अगर आप लोगों के पास में भाई पैसे है तो डेफिनेटली आप लोग इसकी ओर जा सकते हो। एंड अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो मेरी तरह एंड सेल्फ अर्निंग नहीं करते हो तो भाई डेफिनेटली आप लोग को ये सीनरी स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है भाई साहब, आप लोग खुद यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका प्राइस का। एंड वैसे प्राइस के हिसाब से भाई सीनरी भी ठीक ठाक ही आप लोग मान सकते हो। तो भाई अगर आप लोगों के पास में यहाँ पे पैसे वगैरह है आप लोग खुद अर्निंग करते हो, पेरेंट पे भाई बिल्कुल से भी डिपेंड मत रहना कि आप उनसे बोलो कि भाई साहब नहीं मेरे को तो ये सीनरी चाहिए कुछ भी हो जाए, तो भाई ऐसा आप लोग को बिल्कुल से भी नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास में भाई पैसे वगैरह है अभी फिलहाल में एंड आप लोग चाहते हो ऐसी कुछ सीनरी परचेस करना तो डेफिनेटली आप लोग इसको जा सकते हो। बिल्कुल भी भाई आप लोग बाद में ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई ये सीनरी मुझे बिल्कुल से भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज जो सीनरी के अंदर होना चाहिए था वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग को और भी ज्यादा यहाँ पे विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लाइक भाई यहाँ पे अचानक से अपना सुपर ड्रैगन यहाँ पे प्रकट हो जाता है, ट्रेन का यहाँ पे डिब्बा घूम रहा है भाई इधर से उधर, एंड भाई ये कौन है अपना पेका है या फिर भाई बड़ा वाला जाइंट है ऐसा कुछ
मुझे यहाँ पे इसका मूर्ति देखने के लिए मिल रहा है, स्टेचू आप लोग इसको बोल सकते हो। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। एंड और भी गाइस आप लोग इसकी डिटेलिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हो सीनरी की। मतलब गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना भाई, ओवरऑल जो इसका लुक है मतलब भाई प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक भाई आप लोग इसको बोल सकते हो। एंड भाई थोड़ा प्राइस इसका थोड़ा बहुत ज्यादा है ये मैं मानता हूँ। एंड और भी आप लोग यहाँ पे इसके जो यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई। रंग भी रंगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपने यहाँ पे गोब्लिंस भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे या फिर भाई फाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में। एंड और भी भाई आप लोग यहाँ पे ट्रेन की पटरी वगैरह देखने को मिल जाएगी। छोटे मोटे भाई इधर से यहाँ पे बॉक्सेस निकलते रहते हैं ट्रेन के। एंड यहाँ पे भी गाइस अपने गोब्लिन चचा भाई पता नहीं क्या ही सीन कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब एक और यहाँ पे बॉक्स आ चुका है ट्रेन का, उसके सामने कौन बैठा है भाई साहब, इलेक्ट्रो ड्रैगन बैठा गया ऐसा उसका भाई मुझे यहाँ पे रंग देखने के लिए मिला। एंड इसका एरिया गाइस काफी ज्यादा जूम आउट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे इधर उधर गाइस यहाँ पे मूवी वगैरह भी चलती रहती है। जब आप लोग को ड्रैगन के सिंबल मिलते हैं क्वीन के पास में, किंग के पास में, तो गाइस वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मूवी टाइप का भी फीलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस अगर हम लोग इसको और भी यहाँ पे जूम आउट करते तो आप लोग को भाई यहाँ पे ज्वालामुखी भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई। तो जो सारी चीजें भाई इस सीनरी के अंदर उन्होंने ऐड कर दी जिसके बारे में भाई आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे। एंड काफी कुछ भाई यहाँ पे डिटेलिंग करी है क्लैश ऑफ क्लैंस ने। एंड एक और चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ काफी इंटरेस्टिंग चीज, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे आप लोग को बीच जैसी फीलिंग आई है भाई, जहाँ पे समुद्र के किनारे भाई यहाँ पे फीलिंग होती है ना लाइक उस टाइप का, आप लोग को यहाँ पे पार्ट देखने को मिल जाएगा भाई। यहाँ पे डिवाइड कर रखा है ये छोटा सा पार्ट आप लोग को, यहाँ पे शिप टाइप का इसका यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। बस अपने ड्रैगन वगैरह भाई काफी अच्छे से उड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोग भाई रेगिस्तान टाइप की यहाँ पे फीलिंग आएगी लाइक यहाँ पे बिल्कुल भाई इनका ब्राउन कलर। एंड यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी चल रहा है भाई साहब, ये कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक टाइप का हमको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला। एंड थोड़ा बहुत जूम करोगे तो और भी आप लोग को यहाँ पे कुछ छतरी टाइप का भी यहाँ पे थिंग देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये अपना भाई विलेज है, नहीं सॉरी विलेज नहीं, विलेज के अंदर जो चीजें होती है झोपड़ी वगैरह ऐसा, लेकिन इसका जो लुक है वो उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे इसको इनहेंस कर दिया है। एंड यहाँ पे जब आप लोग इस ड्रैगन के ऊपर क्लिक करते हो तो भाई यहाँ पे अगेन अपना नेक्स्ट मूवी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे भाई ये कौन इतना खतरनाक प्राणी, अपना इलेक्ट्रो आ गया उसके साथ में यहाँ पे तलवार निकल रही, इलेक्ट्रो भाई एकदम से आया। एंड भाई साहब इसको फोड़ेगा क्या, आई थिंक इसको खा जाएगा भाई, दोनों के बीच में यहाँ पे मुकाबला हो रहा है। ये किंग है भाई साहब अपना, यस अपना न्यू किंग का स्किन है। एंड भाई साहब इलेक्ट्रो ने उसको खत्म कर दिया या फिर किंग ने उसको खत्म कर दिया पता नहीं भाई, अच्छे से मैंने इसको चेकआउट नहीं किया। एंड यहाँ पे भी गाइस भाई ये एक चीज मुझे समझ नहीं आई, इलेक्ट्रो के पीछे कौन भाग रहा है भाई उसको मारने के लिए, ड्रैगन भी गाइस इधर से उधर यहाँ पे अटैक करते हैं, यानी कि भाई साहब एनिमेशन इफेक्ट वगैरह तो सीनरी के अंदर आप लोग को भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये ज्वालामुखी का गुफा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे कुछ अपने आर्चर विजार्ड्स एंड कुछ बारबेरियन यानी कि ट्रूप्स वगैरह भी इधर से उधर यहाँ पे टहलते रहते हैं। एंड और भी आप लोग इसकी डिटेलिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई साहब। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग को सीनरी कैसी लगी एंड क्या आप लोग इसको लेने वाले हो या फिर नहीं लेने वाले हो, जरूर से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या हमें इन फ्यूचर और ऐसी सीनरी देखने के लिए मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी, बिकॉज अभी का ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सभी लोग मतलब आज ये सीनरी को परचेस कर ले यानी कि अभी ले ले भाई इसी टाइम पे। तो भाई देखो इन फ्यूचर क्लैश ऑफ क्लैंस वाले और भी ऐसी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक उन्होंने यहाँ पे गोल्ड पास के अंदर इंप्लीमेंट किया, लाइक पहले उन्होंने यहाँ पे डिसीजन डाइट डेकोरेशन दिया था, उसके बाद भाई उन्होंने यहाँ पे लेजेंडरी स्किन को गोल्ड पास के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, अभी भाई न्यू सीनरी अपने को देखने के लिए मिल चुकी है क्लैश ऑफ ड्रैगन्स। सो ऐसा कुछ भाई हमें और भी न्यू चीजें इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकती है, इससे भी अच्छी सीनरी हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों के पास भाई सेविंग अभी नहीं है तो आप लोग भाई इसको स्किप कर सकते हो। एंड अगर आप लोग भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट हो यानी कि खुद भाई अर्निंग वगैरह कर दो तो भाई डेफिनेटली आप लोग चाहो तो इसकी ओर भी जा सकते हो। वैसे भाई पैसे के हिसाब से भाई बिल्कुल भी आप लोग को नाराज नहीं करेगी सीनरी, बट हाँ थोड़ा बहुत जो इसका प्राइस है वो थोड़ा बहुत क्लैश ऑफ क्लैंस ने इंक्रीज कर दिया है, थोड़ा बहुत भाई इसका प्राइस थोड़ा बहुत कम होता तो डेफिनेटली भाई मैं भी इसको परचेस करने के बारे में एक बार सोच सकता था, लेकिन भाई साहब आप लोग खुद यहाँ पे समझ सकते हो। बेसिस के अंदर आप लोगों की सीनरी कुछ इस टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि भाई जूम आउट तो आप लोग को पूरा फुल फाल देखने को मिलेगा भाई साहब, अगर आप लोग अपने फ्रेंड को दिखाओगे तो भाई वो पूरी तरीके से आपको शॉक हो जाएगा कि भाई ये क्लैश ऑफ क्लैंस है या फिर कोई अदर गेम से। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोग को इस वीडियो के अंदर बेस्ट पार्ट कौन सा लगा एंड ये सीनरी आप लोग को कैसी लगी। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।